दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा पर। दोस्तों, अग्नि पुराण से जुड़े एक नए सच के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से संकेत अग्नि पुराण में बताए गए हैं कि यदि आपको कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि यह एक अशुभ संकेत माने गए हैं अग्नि पुराण में गाय के द्वारा जो दिए जाते हैं। तो वह कौन से संकेत होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार यदि गाय माता आपके घर के सामने आकर रोने लगती है तो यह एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत करता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है। यदि आपको कुछ इस तरह का संकेत मिले तो आपको अपने घर में पूजा पाठ अवश्य ही तेज कर देनी चाहिए या फिर और अधिक पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अग्नि पुराण में बताया गया है कि यदि आपके घर में कोई गऊ माता आती है, आप उसे रोटी देते हैं, कुछ खाने को देते हैं, यदि वह नहीं खाती और बिना खाए वहाँ से चली जाती है तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत करता है कि निकट जीवन में आपको आपके घर परिवार में दारिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको यह संकेत मिले तो समय रहते ही आपको सतर्क हो जाना है। दोस्तों, गाय माता को लांगना या फिर लात मारना मौत को दावत देने के समान ही माना जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी गाय माता को कभी भी लात नहीं मारना चाहिए एवं उनके ऊपर से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। गौ माता को लात मारने वाले की अकाल मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कुछ संस्कृतियों में गाय के हेला को नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। वे इसे बीमारी, दुर्भाग्य या मृत्यु का संकेत भी मानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको सावधान एवं सतर्क हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।